तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर को अपने जीमेल अकाउंट पर सेव करके रख सकते हैं, जिससे अगर आपका फ़ोन से सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो जाता है या फिर आपका जो फ़ोन है ये कहीं पर भी चोरी हो जाता है तो उस केस में जो है आप अपने जीमेल आईडी से अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर को वापस से रिकवर करके ला सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, तो वीडियो को आप अभी से लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर आप पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम अपने जीमेल अकाउंट पर अपने मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट नंबर को किस तरीके से अपलोड करके सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको एक प्रोफाइल का आइकॉन शो करेगा, तो इस प्रोफाइल वाला आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे तो जो ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होगा यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक मैनेज और गूगल अकाउंट का ऑप्शन शो करेगा, तो इस मैनेज और गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे देन यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट का एक नया पेज शो करेगा और यहाँ पर आपको जो अपना नाम और अपना जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक बार शो करता है तो आपको जो इसको स्लाइड कर देना है। स्लाइड कर देने के बाद यहाँ पर आपको पीपल एंड शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो पीपल एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो फॉर्म योर डिवाइस का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इस कॉन्टैक्ट इन्फो फॉर्म योर डिवाइस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है एक ऑप्शन शो करेगा, यह रहा वो ऑप्शन, और यहाँ पर देख सकते हैं ये डिसअलाउ होगा तो आपको इसको सिंपल से अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देन यहाँ पर आपको जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का, ये जो कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है थोड़ा सा लोडिंग लेगा और एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो नया पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा गया हुआ है यूज द कॉन्टैक्ट ऐप, तो आपको सिंपल से यहाँ पर स्टे ऑन वे के ऊपर क्लिक करके इसको हटा देना है। हटा देने के बाद यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर शो नहीं करेगा क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी पर यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर अपलोड नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऑप्शन मिलता है क्रिएट कॉन्टैक्ट का और इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट का, तो सिंपल से आपको इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे देन यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो करेगा, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन शो करेगा, तो आपको जो है यहाँ से बैक आ जाना है। पूरा से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देन यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में यहाँ पर सेव होगा यहाँ पर सारे निकल कर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं ये जो सेटिंग्स का आइकॉन शो करा सेटिंग वाला आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन शो करेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर और दो ऑप्शन शो करेगा, इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस, तो आपको सिंपल से एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपको चूज करना है जो भी मोबाइल नंबर को आप अपने जीमेल अकाउंट पर अपलोड करके सेव करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं 3-4 ही सिलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको जो सिंपल से यहाँ पर सी ऑल का ऑप्शन मिलता है तो सी ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर को चूज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर 2-3 मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है 5 नंबर यहाँ पर ले लिए हैं, तो इस 5 नंबर को मैं अपने जीमेल अकाउंट में सेव करके आपको दिखाऊंगा। तो सेव करने के लिए यहाँ पर नीचे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है तो ये एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे तो डाउनलोड का एक पेज शो करेगा, तो डाउनलोड के पेज शो करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं आपको एक लिखा गया होगा ब्लैक कलर में कॉन्टैक्ट VCF, तो यहाँ पर ये जो नेम है ये हमने जो सेव करेंगे वो फोल्डर का नेम है, तो आप जो है इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर से तो सिंपल से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है माई कॉन्टैक्ट या फिर जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप जो लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं साइड में सेव का ऑप्शन शो करेगा, तो इस सेव वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपको माई कॉन्टैक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है, मतलब सक्सेसफुली जो एक्सपोर्ट हो गया है। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ से आपको उसी पेज में आ जाना है, इंपोर्ट पेज में आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन शो कराएगा। सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज एन एक्शन का आपको एक यहाँ पर सेक्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन शो हो गए, तो आपको यहाँ पर सिंपल से फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस डाउनलोड वाले पेज में आपको फिर से आ जाना है, ये डाउनलोड वाले पेज में आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं माई कॉन्टैक्ट में यहाँ पर जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर सेव किया था यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं
आपका जो टाइम है 1:17 यहाँ पर टाइम भी शो करता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है माई कॉन्टैक्ट का आ गया है यहाँ पर, तो इसको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इंपोर्टिंग माई जो है कॉन्टैक्ट का आपको जो है थोड़ा सा लोडिंग लगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर जो है आप सेव करके रखना चाहते हैं यहाँ से जो है आ गया है, जिस भी कॉन्टैक्ट नंबर को आप सिलेक्ट किया था यहाँ पर जो है आ गया है। मैंने 5 नंबर को यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट किया था तो ये आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने जीमेल आईडी पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रख सकते हैं। अगर आप जो इसको सेव करके रखेंगे तो ये जो नंबर है ये आपके कॉन्टैक्ट पर जो है डिलीट हो गया है, तो भी जो है आप यहाँ से उसको रिकवरी करके ला सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं एक नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। तो अगर आपके फ़ोन से ये सारे नंबर डिलीट भी हो जाता है तो आप यहाँ से उसको रिकवरी करके वापस से अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट पर ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर को अपने जीमेल अकाउंट पर सेव करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक नए वीडियो पर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।